नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिनभर की फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि सहारनपुर में रैली के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि यदि बीएसपी सत्ता में आती है तो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। टीवी की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन के साथ ला पीला दे म्यूजिक वीडियो में नजर आई। इससे पहले अंकिता और विक्की एक साथ बिग बॉस 17 में बतौर प्रतियोगी भाग ले चुके। पिछले दिनों अंकिता एक इंटरव्यू के दौरान डिप्रेशन के बारे में खुलकर बातें करती नजर आई। भाजपा के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने मसूरी में आयोजित जनसभा में टिहरी सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। वही महिला मोर्चा की ओर से भी उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सोमवार को धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। दलाई लामा से मिलने के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह दिव्य था, क्या एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसके चारों ओर सरासर दिव्यता है, इसलिए यह मेरे और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के लिए बहुत भावनात्मक था। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में रोड शो करने जयपुर आ रहे। शाह के रोड शो के लिए तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। शाम 6 बजे होने वाले इस रोड शो के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए, ताकि आम जनता को किसी तरह परेशानी का सामना न करना पड़े। शिक्षा मंत्री और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी के सीनियर नेता भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से रैली निकालकर नामांकन दाखिल करवाने के लिए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। भाजपा ने इस अवसर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अलवर लोकसभा के हरसौली में सभा करने पहुंचे। यहां बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, बीजेपी आरक्षण समाप्त करने जा रही, मोदी खुद आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। हम ना इसे खत्म करेंगे और ना खत्म करने देंगे। कांग्रेस ने दशकों तक वन रिंग वन पेंशन का मुद्दा हल नहीं होने दिया। मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने 2015 में ही वन रिंग वन पेंशन लागू कर दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को लोहावट विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की। उन्होंने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इंडी अलायंस की सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर अलायंस की सरकार आई तो वो भारत के सारे परमाणु हथियारों को फ्यूज कर समुद्र में दफन कर देंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।